मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सहजनवा को ग्रामीण स्टेडियम की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सूबे के हर गांव में खेल का मैदान और जिले में स्टेडियम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के सहजनवा में 10.43 करोड़ की लागत से भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलेटिक्स ट्रैक, पवेलियन वाले ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीवन में धर्म के साधन तभी पूरे हो सकते हैं जब शरीर स्वस्थ होगा। स्वस्थ होने के लिए खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 2014 में खेलो इंडिया खेलो का एक नारा देश को दिया था। आज वो हकीकत बन चुकी है। आज भारत का युवा ओलंपिक में मेडल लेकर के आता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि हर गांव में खेल का मैदान होगा। युवा कल्याण विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। हर गांव में स्पोर्ट्स किट पहुंचाई जा रही है। खेल के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम और हर जिले में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सूबे के विकास के लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए। राज्य सरकार ने यूपी को अपराध मुक्त बनाया है, जिसके कारण यहाँ पर निवेश हो रहा है। गोरखपुर में एक बॉटलिंग प्लांट का भूमि पूजन करने पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है। सीएम ने कहा कि यूपी में अब दंगा नहीं, निवेश होता है। योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी का उदाहरण दिया और कहा कि जनता ने प्रदेश में धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से भजन गाते हुए शोभा यात्रा निकल रही थी और हिंदू भी और मुसलमान भी पुष्प वर्षा कर रहा था और शोभा यात्रा में चलने वाले लोगों के साथ। यही है नया बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर। सीएम ने कहा कि जो लोग कानून को धता बताते थे आज उनके जान के लाले पड़े हैं। यूपी की 25 करोड़ जनता अब दंगा नहीं बल्कि विकास और निवेश पर विश्वास करती है। सारे कार्यक्रम हो रहे थे, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अब दंगों पर नहीं, अब विकास पर विश्वास करती है, निवेश पर विश्वास करती है, रोजगार पर विश्वास करती है, डबल इंजन की सरकार पर उसे विश्वास है।